अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। सपनों के दिए स्वागत में है रोशन, आप आए उल्लास आया जैसे कोई मधुमास आया, आप आए उल्लास आया जैसे कोई मधुमास आया, आपके स्वागत में यह बेला आई सोला श्रृंगार किए, स्वागत में है रोशन आपके लिए, आँखों में सुनहरे सपनों के दिए स्वागत में है रोशन। हुए आपके जब दर्शन महक उठे श्रद्धा के सुमन, हुए आपके जब दर्शन महक उठे श्रद्धा के सुमन, श्रद्धा के यह सुमन समर्पित आपको आप इन्हें लीजिए, स्वागत में है रोशन आपके लिए, स्वागत में है रोशन। प्रतीक्षा थी निगाहों में, पलकें बिछी थी राहों में, प्रतीक्षा थी निगाहों में, पलकें बिछी थी राहों में, प्यास के मन में दर्शन जल के प्याले भर भर हमने पिए, स्वागत में है रोशन आपके लिए, आँखों में सुनहरे सपनों के दिए स्वागत में है रोशन। ओम शांति जी, शांति। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही अच्छे से। आपका हमें बहुत बहुत इंतजार था, प्रतीक्षा थी निगाहों में, आपसे आपका अलौकिक जीवन का अनुभव सुनने की हमें बहुत इंतजार था, वो आज इंतजार की घड़ी पूरी हुई, तो हम आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, और हम पूनम बहन का भी स्वागत करते हैं, और पूनम बहन को अनुरोध करते हैं कि लक्ष्मी दीदी का आप पूरा परिचय भी दे और उनका स्वागत भी करें। पूनम बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि दिल्ली राजधानी के रानीबाग क्षेत्र में 1971 में एक दिव्य शक्ति का अवतरण हुआ, जिसको बचपन से ही धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की और सोशल सर्विस की, प्रभु के प्यार की लगन थी, और उसी लगन के अंदर 1983 के अंदर रजौरी गार्डन में रुक्मणी दादी जी से ज्ञान मिला, और उसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी प्राप्त करने के बाद आपने जो है NCERT और EDL में PA की पोस्ट पर भी अपनी लौकिक सर्विस की, लेकिन जैसे जैसे आपकी लगन बढ़ती चली गई तो 1993 के अंदर आपने प्यारे शिव बाबा के ऊपर अपने जीवन को बलिहार करके समर्पित होके अपनी लगन की अवस्था का सबूत दिया, क्योंकि आपका समर्पण समारोह भी मधुबन में बड़ी धूमधाम से हुआ था, उसकी वीडियो भी हम सब ने बहुत पहले देखी थी, और आप एक बहुत ही कुशल वक्ता भी हैं और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, छोटी सी उम्र के अंदर ही
थोड़े से समय के अंदर आपने रोहिणी सेक्टर के अंदर 2004 में जब अपना कदम सेवाओं के लिए रखा, तो तब से लेकर के आज तक वहां आपने इतनी सुंदर सुंदर सेवाएं की कि आपकी सेवाओं का वीडियो क्लिप भी भेजा है, उसको भी आप सभी देखेंगे। और इसके साथ साथ आपकी सेवाओं के लिए लौकिक दुनिया के लोगों ने भी आपको बहुत सम्मान दिया। कई जो है संस्थाओं ने आपको कॉलेज के अंदर भी बुला करके सम्मानित किया। तो इस प्रकार से जिसको प्रभु ने सम्मान दिया हो, ब्राह्मण जगत ने सम्मान दिया हो, लौकिक जगत वाले उनको सम्मान ना दें, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने अपने सेवाओं के अंदर बहुत से फील्ड को टच किया, ऑफिसर्स की, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस वालों की भी सेवाएं की, कॉलेज में जाकर के भी सेवाएं की, स्कूलों में भी की। तो आप एक बहुत ही कुशल वक्ता हैं और सबको राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करा करके बहुत ही सुंदर प्यारे बाबा से आपने जो राजयोग के माध्यम से जोड़ने की विधि को लगातार अपने जीवन में बनाए रखा, तपस्वी मूरत हैं आप। आपके अनुभव में थोड़ी थोड़ी बातें जो कुछ पता है कि कैसे आज का आपका जो अमृत वेला है आज तक मिस नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो यूथ एज में कभी कभी किसी को आलस भी आ जाता है, कभी बीमारी के कारण, कभी तकलीफों के कारण डीले हो सकते हैं, लेकिन आपके अनुभव में हमने सुना कि आपने आज तक अमृत वेला कभी मिस नहीं किया, तो शायद वही आपकी शक्तियों का स्रोत रहा। तो ऐसी हमारी निर्भीक निर्भय शेरनी शक्ति रजनी बहन, जिन्होंने रोहिणी जैसे क्षेत्र को अपनी सेवाओं में चमका दिया, आदरणीय सरला दीदी जी के पालना के अंदर, निर्देशन के अंदर, गाइडेंस के अंदर, आपके साथ साथ एक छोटी बहन प्रीति बहन भी आपके साथ रहती हैं। तो प्रीति ने भी भगवान से प्रीत की है, उसका पता तो तब चलेगा जब वो लास्ट में जरूर अपना कुछ ना कुछ हमें सुनाएंगी, तो पता चलेगा कि रजनी बहन ने तो आकर के संसार का अंधकार दूर करने के लिए ज्ञान की लो जगा दी, रोशनी जगा दी, और प्रीति बहन ने आकर के अपनी प्रीत से उस रोशनी को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो हम सभी शिव स्मृति जूम चैनल में प्यारी रजनी बहन का, स्नेही रजनी बहन का स्वागत करते हैं तहे दिल से, खुले मन से, नैनों से और शब्दों के हार से। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। धन्यवाद, शुक्रिया पूनम बहन जी, आपने बहुत अच्छे से रजनी दीदी का परिचय दिया। ओम शांति, ओम शांति, वेलकम टू। तो आपका परिचय सुना, कैसे आपने विश्व सेवा की है वो सारा सुना, बहुत खुशी हुई। और अभी तो आपका प्रैक्टिकल अनुभव सुन के आपके हृदय का पूरा ख्याल आ जाएगा ही, और जरूर हृदय में बाबा को बसाया है, इसीलिए इतनी सेवा कर रहे हो, इतना आगे बढ़ रहे हो। हर पल प्रगति के पल है आपके, इसीलिए आपको धन्यवाद भी है और वेलकम है, बहुत बहुत आपको वेलकम करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। ये जो शिव स्मृति चैनल है, ये वास्तव में भागवत चैनल है। जैसे भागवत में दिखाया कि गोप गोपियों और भगवान के चरित्र दिखाए गए, तो इसी प्रकार से शिव स्मृति चैनल भी जो है ये बाबा के साथ के सच्चे सच्चे गोप और गोपियां हैं उनके साथ के ये चरित्र के अनुभव हैं। तो हमारे मनीष भाई और आप सभी, डॉक्टर जयंत भाई, चंपा बहन, मानी बहन, आप सभी मिलकर के एक भागवत का चैप्टर तैयार कर रहे हैं जो द्वापर में ऋषि मुनियों के काम आएगा। और बाबा तो यही कहते हैं कि बच्चे आप ही ऋषि मुनि बनके ये शास्त्र भी लिखेंगे।
तो मैं पूरे शिव स्मृति चैनल की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आपने सभी बीकेस को ये प्लेटफॉर्म दिया कि अपना अनुभव सभी के साथ को शेयर कर सके। तो जैसे अभी बताया तुम्हें पहले परिचय में कि हमारा जो मौखिक जन्म है वो रानीबाग में ब्राह्मण परिवार में ही हुआ सन 1971 में। और ब्राह्मण परिवार में होने के कारण से हमारे मौखिक पिताजी जो थे वो शुरू से ही उन्होंने सब बच्चों को ये संस्कार डाले थे कि बचपन से घर में जैसे गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना या व्रत रखना, दान पुण्य करना, उनके अपने भी निजी संस्कार जो थे वो दान पुण्य करने के बहुत संस्कार थे। और बचपन से ही जैसे बाबा अमृत वेले की बात कहता है तो हमें बचपन से ही कभी भी 5 बजे के बाद सोने नहीं दिया गया। बचपन से हमारे पिताजी सुबह अमृत वेले उठ जाते थे और वो नहा धो के तैयार होके 5 बजे मंदिर में चले जाते थे और वो हम सबको भी उठा देते थे। तो मुझे ज्ञान में आने के बाद भी अमृत वेला उठना कभी मुश्किल नहीं लगा क्योंकि हम जब पढ़ते थे स्कूल में भी पढ़ते थे हमारे एग्जाम्स होते थे तो हमें रात को 9 बजे के बाद कभी जागने नहीं दिया जाता था। हमारे मौखिक पिता यही कहते थे कि अगर पढ़ना है तो सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ो। तो वो हमें अमृत वेले उठा देते थे लेकिन रात को देर से कभी उन्होंने हमको पढ़ने नहीं दिया। तो बचपन से क्योंकि ब्राह्मण परिवार से ही ये संस्कार मिले हुए थे और जैसे हमारे लौकिक पिता थे उनके अंदर सुप्रिंटेंडेंट ऑफिसर थे वो रेलवे के अंदर, तो उनके अंदर ये बात भी थी कि कभी भी उन्होंने किसी से भी रिश्वत नहीं ली। उनका ये एक उसूल था खरीफों की उन्होंने जॉब लगवाई लेकिन कभी भी वो रिश्वत नहीं देते थे। इवन देन अगर कोई जॉब लगने के बाद घर के अंदर मिठाई का डिब्बा भी लेकर के आता था तो वो उसको कहते थे कि मैं ये घर में नहीं खाऊंगा, ऑफिस में लाना, साथ मिलकर के खाएगा, मेरे बच्चे ये नहीं खाएंगे। तो उन्होंने बहुत जैसे धार्मिक वृत्ति होने के कारण से बहुत संस्कारी हमारी पालना धार्मिक वृत्ति करी। इसी प्रकार से जो हमारी लौकिक माता जी थी तो वो भी हमें बचपन से ही जैसे महात्मा गांधी की है या धन्नाचार की है रात को सोते समय इस प्रकार से भक्तों की कहानियां या शहीदों की कहानियां सुनाया करती थी। तो उन्होंने बचपन से हमारे अंदर ऐसे संस्कार भरे इसलिए बाबा ने हमें आज इस स्थान पर पहुंचा दिया है। तो मैं अपने लौकिक माता पिता का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने हमें ये संस्कार दिए। तो मेरे अंदर भी बचपन से यही लगन थी कि मुझे कुछ ना कुछ समाज सेवा करनी है। और मैं जब बहुत छोटी सी थी तभी से मैं ऐसा सोचा करती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे समाज सेवा करनी है। तो जो हमारी लौकिक माता जी थी तो वो कहा करती थी कि ऐसे कुमारियों को हम कैसे घर में बिठाएंगे। तो मैं उनको कहा करती थी कि मैं बड़ी होकर के कैसी संस्था बनाऊंगी जिसमें जो कन्याएं शादी नहीं करना चाहती हैं वो कन्याएं वहां पर रहेंगी। तो मुझे मालूम नहीं था कि बाबा ने पहले से ही ये स्थान बनाया हुआ है लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जो भी कन्याओं की इच्छा नहीं होगी उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा लेकिन वो अपनी इच्छा से नहीं करना चाहते एक संस्था बनाएंगे, सोशल ऐसा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसके अंदर वो कन्याएं रह सकती हैं। तो इस प्रकार से बचपन से ऐसे संकल्प थे। और लौकिक में मेरे से 4 बड़ी बहनें हैं और जब मेरा जन्म हुआ तो आप सभी समझ सकते हैं कि सबने यही एक्सपेक्ट किया था कि कुमार होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। और जब मेरा जन्म हुआ तो थोड़ा सा सभी उदास हो गए लेकिन जब मेरे पास भाई आया तो सबने यही कहा कि ये कन्या जो है ये बहुत भाग्यशाली है कि इसके पीछे जो है वो भाई आया है। तो मेरे लौकिक पिता ने मुझे बचपन से ही पढ़ाई के ऊपर भी बहुत अटेंशन खिंचवाया और हमेशा मेरा लौकिक मेरी पढ़ाई में फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही आता था हमेशा पूरे स्कूल में मैं फर्स्ट आती थी। तो इस रीति से अपनी योग्यता से लास्ट नंबर पर होते हुए भी कैसे सबका दिल जीत लिया। और 8th क्लास में मैं थी तब 1983 में तो हमारी लौकिक जो तीसरे नंबर की बहन है उसका विवाह हुआ। तो जहाँ उसका विवाह हुआ उसके
लौकिक सास ससुर मामा बाबा के समय के थे। वो रजौरी गार्डन सेंटर पर रुक्मी दादी के पास क्लास करते थे और वो मामा बाबा के समय के थे, स्नेह बहन और जगन्नाथ भाई। तो उनके घर में हर मंगलवार को जो शक्ति दीदी है रजौरी गार्डन में, वो क्लास कराने आया करती थी। तो हमारी लौकिक बहन जो थी वो हमें भी बुला लिया करती थी। तो हम तो इस रीति से जाते थे कि भी बहन से मिलने जाना है, लेकिन धीरे धीरे वो ज्ञान सुनते सुनते, और जैसे उनके घर में कोई भी प्रोग्राम होता था, जैसे उनकी एक ही कन्या है, उसी एक कन्या का जन्मदिन रजौरी गार्डन सेंटर पर उन्होंने मनाया, उसके बाद से दोनों लोग कर्मचारी रहते हैं। तो उसका जन्मदिन होता था या उनके घर में कोई भी प्रोग्राम होता था तो वो घर में नहीं करते थे, वो रजौरी गार्डन सेंटर पर भोग लगाया करते थे बाबा को। तो हम भी रजौरी गार्डन सेंटर पर, क्योंकि वो भोग लगाते थे तो हमें भी बुलाते थे, रजौरी गार्डन सेंटर पर वो हमें बुलाते थे। तो रुक्मणी दादी जो है उन्होंने शुरू शुरू में बहुत प्यार से हमें पालना दी, और उसके बाद 1989 में हम रानीबाग के संपर्क में आए 12th करने के बाद। तो जब रानीबाग के संपर्क में आए तो हमारे जो लौकिक में बहन के युगल थे वो हमारे घर आए हुए थे। तो हमने उनको बोला कि अभी हमने जो है रेगुलर क्लास करनी है। लौकिक बहन है तो वो कोई भी प्रोग्राम होता था रजौरी गार्डन सेंटर पर ही भोग लगाया करते थे। तो हम रजौरी गार्डन सेंटर पर जाया करते थे, वहाँ रुक्मणी दादी थी। तो रुक्मणी दादी ने भी बहुत प्यार से हमारी उस समय पर पालना की। हम बहुत छोटे से थे, 8th क्लास में हम पढ़ते थे, और जब उसके बाद 1989 में हमने 12th क्लियर किया, 12th क्लियर करने के बाद हम रानीबाग सेंटर पर रेगुलर क्लास करने के लिए हमने अपने जो लौकिक बहन थे उनके युगल को कहा। तो उन्होंने हमें, एक माता जी वहां से जाती थी चंद्रकला माता, तो उसके पास भेजा कि आप जो है उसके साथ क्लास करने के लिए चले जाया करो। तो जब हम उसके साथ क्लास करने के लिए एक दो दिन गए तो उसने बहुत देर लगा दी वहां पर, हम उसके घर बैठे रहे। तो फिर उसके बाद हमको लगा कि ये तो रोज हमको बहुत देर करती है। उसके बाद हम अकेले ही रोज जाने लग गए सेंटर पर, और इस प्रकार से 1989 में हम रानीबाग सेंटर पर हमने रेगुलर क्लास शुरू की। और 1990 में मई में मधुबन में कुमारियों की जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में हम गए, दीदी ने भेजा। तो जब उस ट्रेनिंग में गए तो वहां पर हम बड़ी दादी जो थी उन्होंने सब कुमारियों का जब परिचय लिया तो हम उस समय पर फर्स्ट ईयर में थे, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का एग्जाम देकर के गए थे। तो बड़ी दादी ने कहा कि जो भी कुमारियां अभी पढ़ रही हैं उनको अभी सेंटर पर नहीं जाना है, लेकिन जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है वो सेंटर पर जाएंगी। तो हम फिर वहां से लौकिक घर में आ गए, लेकिन अंदर यही लक्ष्य था कि हमें बाबा का बनना है। और हमारी जो लौकिक पिता थे, जब मैं 10th क्लास में थी तो हमारे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ दिया था और हमारी मदर उनकी जगह पर कंपनसेशन बेसिस पर जॉब करती थी। तो उनको यही लगता था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि फादर नहीं थे और मैं बहनों में सबसे छोटी थी, सभी बहनों की मैरिज भी हो चुकी थी। तो उनको यही लगता था कि लोग क्या कहेंगे। तो फिर हमने यही संकल्प किया कि जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम सेवा केंद्र पर नहीं जाएंगे। तो फिर हम उनको भी मधुबन ले जाने का हमने सोचा, लेकिन उन्हें मधुबन जाने की हाँ नहीं थी। तो फिर हमने दीदी को बोला, सल्ला दीदी को बोला कि हमारा लौकिक बर्थडे आता है 22 फरवरी का, कि आप बाबा को भोग लगाओ और आप बाबा से पूछो कि बाबा क्या कहता है ना, क्योंकि हमारी इच्छा तो थी ही बाबा के घर में रहने की, लेकिन अभी लौकिक से छुट्टी नहीं मिलती थी और हमें यही लगता था कि हमें जब तक ये दिल से प्यार से छुट्टी नहीं देंगे हम नहीं जाएंगे। तो दीदी ने भोग में यही संदेश दिया कि बाबा ने कहा कि अचानक होगा। तो अंदर ये संकल्प आया कि योग बट्टी रखी जाए। तो उन दिनों मैं जॉब कर रही थी EIL में, NCERT में मैंने जॉब किया। तो जॉब का जो समय होता था सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंचना होता था, तो मैं 7 बजे घर से निकल जाती थी।
पहले सेवा केंद्र पर जाती थी, वहां मुरली क्लास थोड़ी देर सुन करके, सार सुन करके, और फिर वहां से जॉब पर जाती थी, और वहां से आती थी तो सीधा सेंटर पर आती थी, और फिर सेंटर से फिर घर जाती थी, तो मुझे रात को लगभग 10, 10:30, 11 भी बज जाते थे सोने में। और उन दिनों में मैंने अमृत वेला 3 बजे से 5 बजे तक किया, 40 दिन का अमृत वेले का मैंने संकल्प लिया कि मुझे चलिया करना है और मुझे कुछ कहना नहीं है किसी को भी। क्योंकि जब मैं पहली बार बाबा से ओम शांति भवन में मिली थी तो पहली बार में ही मैंने ये संकल्प कर लिया था कि बाबा अब ये जीवन आपका है, अब इस तन मन धन के ऊपर आपका अधिकार है, लेकिन मेरे आगे कभी भी मैरिज का प्रपोजल भी नहीं आना चाहिए। मेरे को ये लगता था कि अगर मेरे आगे कोई ये प्रपोज रखेगा तो इसका मतलब मैं वीक हूं, मेरे से उनको ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने प्रपोजल रखें। तो मैंने फर्स्ट जब बाबा से मिलन किया था तभी बाबा को ये बोला था कि बाबा मेरे सामने ये प्रपोजल नहीं आना चाहिए। और ये बिल्कुल सच बात है कि लौकिक घर में कभी भी किसी ने मेरे सामने मैरिज की कभी भी कोई बात नहीं की, मेरे सामने कभी ये प्रपोजल नहीं आया। और जब बाबा के घर आने की बात थी तो मैंने 40 दिन का जब चलिया किया तो उस चलिए के अंदर ही मैं बाबा को यही कहती थी कि बाबा मैं तो आपकी हूँ। और मुझे हमेशा यही संकल्प रहता था, जैसे बाबा कहा करते थे कि बच्चे विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तो मुझे ये लगता था कि मुझे लौकिक घर में शरीर नहीं छोड़ना है, मुझे बाबा का बन करके बाबा के घर में ही रह करके बाबा को जीवन देने के बाद फिर भले कुछ भी हो जाए लेकिन लौकिक घर में मुझे शरीर नहीं छोड़ना है। तो मैंने 3 से 5 बजे का अमृत वेला उन दिनों में रखा और उसी अमृत वेले के दौरान योग शिविर का प्रोग्राम आया। अमृत वेले का जो चलिया था लगभग पूरा होने वाला था तभी योग शिविर का प्रोग्राम आया और दीदी ने मुझे कहा कि आप अपनी माता जी को ले जा सकते हैं। और जब मैं उनको मधुबन में लेकर के गई उन्होंने शीलू दीदी को देखा और शीलू दीदी को देख करके उनको बहुत प्रेरणा मिली और उनको लगा कि ये अपने माता पिता की अकेली कन्या होकर के ये जीवन दे सकती है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, फिर जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप करो। तो उसके बाद जब मधुबन से हम आए, अप्रैल में आए थे और 92 में जब मैं बाबा से मिली थी तो बाबा की मुरली चली थी कि सफलता पानी है तो तन मन धन सफल करो। और यही फिर मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि मुझे सफलता पानी है और 93 में ही पानी है, 94 नहीं करना है। क्योंकि क्लास में बहुत बार जैसे आप जानते हैं कुमारियां आती हैं तो दीदी पूछते थे कि आप कब आओगी सेंटर पर, है ना, तो हम कहते थे जल्दी आएंगे तो क्लास वाले ताली भी बजा देते थे, है ना। तो एक बार क्लास में एक बहन ने कहा कि ये हमेशा ताली तो बजवा लेती लेकिन आती नहीं है। तो मैंने उसकी बात को चैलेंज के रूप में लिया और मेरे को यही संकल्प आया कि अभी मुझे 93 से 94 नहीं होने देना है। और फिर जब 93 में मैं अपनी लौकिक माता जी को, छोटा भाई हमारा, वो दोनों मधुबन गए, वहां से उनको प्रेरणा मिली। अप्रैल में हम मधुबन गए थे 30 अप्रैल को और 30 मई 93 को मैं बाबा के घर में आ गई। तो 30 मई 93 से मैं बाबा के घर रह रही हूँ और सरला दीदी के साथ रानीबाग में ही रहती थी पहले 93 से लेकर के 2004 तक। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम लौकिक घर से आते हैं तो हमें सेंटर का और घर का वातावरण, रहन सहन, हर चीज में बहुत परिवर्तन होता है, अंतर होता है। तो दीदी के पास आकर के हर छोटी से छोटी बात सीखी और शुरू शुरू में किसी को ज्ञान सुनाने में भी बहुत डर लगता था। हाँ, मुझे याद आता है कि जब शुरू शुरू में मैं सेंटर पर आई, कोई भी कोर्स वाला आता था तो रानीबाग सेंटर जो है वो 3 फ्लोर्स उसमें बनी हुई है, तो मैं ऊपर चली जाती थी, मुझे डर लगता था कि कहीं दीदी मुझे ना कह दें कि तुम कोर्स करा दो, तो मैं भाग जाती थी सामने से, मुझे डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे दीदी ने ये देखा, क्योंकि बहनें तो सब परखती ही हैं, उन्होंने ये देखा तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम ऐसा करो, जैसे माताएं आती हैं या कुमारियां आती हैं तो पहले तुम उनको कोर्स कराओ। फिर धीरे धीरे उनको कोर्स कराते 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 फिर धीरे धीरे तो बाबा ने खैर बल भरा ही, मेरे जीवन की शुरू से कुछ धारणाएं रही जब मैं ज्ञान में चली तो कुछ धारणाएं मेरे जीवन की रही जो आज तक भी मैंने उन्हें अपनाया हुआ है। जैसे पहला तो पूनम बहन जी ने बताया
कि मैंने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया है। मैं आपको अपना एक वंडरफुल अनुभव इसी से रिलेटेड सुनाती हूँ कि एक बार 2011 की ये बात है, मेरी सर्जरी हुई थी, मेजर सर्जरी हुई थी। तो सर्जरी होने के बाद आप सबको मालूम है कि वो दवाइयाँ ऐसी देते हैं जो थोड़ा बेहोशी होती है, उनमें नींद की दवाइयाँ होती हैं। तो मैं यहाँ आई, सेंटर पर आई, हॉस्पिटल से जब सेंटर पर आई तो नेक्स्ट डे दवाई का नशा तो था ही, अमृत वेले का समय था, लेकिन नींद में भी सुबह 4 बजे मैं क्लासरूम में आकर के बैठी और मैं वहां योग कर रही हूँ, क्लास में योग कर रही हूँ बैठ करके नींद में ही, 4 बजे अमृत वेले। और उसमें कुछ जैसे भाई मैंने आए क्लास में और वो पीछे कुछ बात कर रहे हैं, तो मैं उनको भी चुप कर आ रही हूँ कि भाई चुप हो जाओ, अमृत वेले का समय है और अभी योग का समय है, तुम भी योग करो और मुझे भी योग करने दो। तो ऐसा वो योग का संस्कार पक्का हो गया कि नींद में भी, और जब मेरी नींद खुली तो उस समय लगभग 4:25 या 4:30 बजे थे। तो 4 बजे पूरे अमृत वेले के समय जैसे वो सब कॉन्शियस माइंड में समाया हुआ था। दूसरा, मेरे जीवन की शुरू से यह धारणा रही, एक बल एक भरोसा, केवल एक बाबा के बल और बाबा के भरोसे पर ही सदा चली हूँ और आज तक भी चल रही हूँ। बाबा से ही सर्व अधिकार रखे हैं। मैं एक गीत की लाइन, जो फिल्म का गीत है लेकिन गीत की लाइन हमेशा बाबा के आगे यही बोलती हूँ कि मेरी मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल ना जाना। तो एक बाबा के भरोसे पर, और नेक्स्ट मेरे जीवन की धारणा है कि मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारती हूँ। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परीक्षा क्यों ना आ जाए, लेकिन जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि वरदाता बाप का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है, तो मैं सदा ऐसा शुरू से ही, जब से ज्ञान में चली हूँ तब से शुरू से ही ऐसा महसूस करती हूँ कि वरदाता बाप का हाथ, वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और वो खुदा दोस्त मेरे साथ 1000 भुजाओं से है, तो मेरे लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। तो किसी भी परिस्थिति में कभी भी हिम्मत नहीं हारती हूँ। तो रानीबाग सेवा केंद्र पर रहते हुए कई प्रकार की वहां पर भी सेवाएं की, गीता पाठशालाएं वहां पर थी। तो मेरा रूटीन ऐसा होता था कि जैसे सुबह क्लास के बाद नाश्ता इत्यादि करके दीपाली चौक पर एक गीता पाठशाला थी, वहां जाना, फिर वहां से आने के बाद शकुरपुर में गीता पाठशाला थी, वहां जाना, फिर वहां से आने के बाद जो भी सेंटर का कार्य होता था, सेवा होती थी, वो करना। तो ऐसे बहुत अच्छा चल रहा था, ना तो मुझे कभी लौकिक में और ना ही कभी अलौकिक जीवन में कोई इस प्रकार की दिक्कत आई। और सन 2000 में यहाँ पर रोहिणी सेक्टर 21 में सेवाएं शुरू हुई। तो पहले जो सुषमा बहन जी, आपने उनका अनुभव सुना, सेक्टर 8 में रहती हैं, वो यहाँ पर आती थी, कभी कभी आती थी और आकर के सेवाएं करती थी। और 2004 में यहाँ पर 13 अप्रैल 2004 को, जहाँ पर अभी हम बाबा के घर में बैठे हैं, ये रेंट पर लिया। और तब कृष्णा दीदी थी त्रिनगर के अंदर, उन्होंने यहाँ पर भोग लगाया, वो संदेशी थी। तो हम तो रानीबाग से केवल आते और जाते थे, यहाँ पर रहते नहीं थे, हम रहते रानीबाग में ही थे, एक गीता पाठशाला की तरह था ये। और ना ही हमने यहाँ पर कोई इस प्रकार के साधन, कोई सामान रखा हुआ था कि हमें कभी रहना पड़े तो हम कोई सामान यहाँ पर रखें। तो 13 अप्रैल 2004 को जब ये मकान पर बड़ी दीदी को बुलाया और उन्होंने भोग लगाया, तो बाबा ने भोग में संदेश दिया कि सेंटर को ताला, मन सेवा को ताला, आज रात से ही यहाँ पर रहना है। अब हम तो ना मेंटली और ना ही फिजिकली प्रिपेयर थे इस बात के लिए कि बाबा अचानक से इस प्रकार का संदेश दे देगा, लेकिन जैसे बाबा ने संदेश दिया तो बिल्कुल निर्संकल्प होकर के हम उस समय रानीबाग गए और अपने थोड़े से कपड़े लेकर के और यहाँ पर वापस आ गए। लेकिन यहाँ पर सिवाय 4 दीवारी के हमारे पास और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक भोग की कढ़ाई थी जिसमें उस दिन बाबा के लिए भोग बना था, बाबा के भोग के बर्तन थे और कुछ पत्तल जो होते हैं, पत्ते वाले पत्तल होते हैं, भाई बहनों के लिए भोग के लिए मंगाए हुए थे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भाई बहने भी नहीं आते थे। जैन नगर में गीता पाठशाला थी पहले से ही, उसके कुछ 8-10 भाई बहने थे और 2-3 भाई बहने जो थे वो यहाँ के थे, बस इतने ही भाई बहने थे।
तो अचानक से जैसे बाबा ने संदेश दिया, तो आज मुझे ऐसी स्मृति आती है कि शायद जैसे दिखाते हैं रामायण के अंदर कि श्री राम को अचानक से वनवास मिला है ना। एक रात पहले तो उनका ये था कि कल उनको राजपाट मिलेगा, राज तिलक लगाया जाएगा, राजगद्दी पर बिठाया जाएगा, और अचानक से जो है ये उनको ये कहा कि कल जो है तुम्हें सुबह वनवास के लिए निकलना है। तो हमारे साथ भी एकदम ऐसा ही हुआ कि बाबा का संदेश आया, और अचानक से बाबा का संदेश आया तो हमने बाबा की आज्ञा को सिर माथे रख करके और यहाँ पर हम आ गए। तो वो पहली रात थी 13 अप्रैल 2004, और हमारे साथ यहाँ से एक सोसाइटी से ही एक माता आती थी क्लास करने के लिए, तो उसको हमने कहा कि रात को हम रहेंगे तो आप हमारे साथ। पूछा कि दीदी आपने भोजन कर लिया क्या, तो हम चुप हो गए क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो वो माता जब किचन में गई तो उसने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे इस बात को सुनाते सुनाते बीच में एक और बात मैं कहूंगी कि जब मैं ये बात सोचती हूँ तो मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस होता है कि जो हमारी दादियों ने बाबा ने वो बेगरी पार्ट देखा, जैसे बाबा किसी को अचानक से कह दिया करते थे कि बच्ची नीचे ट्रेन खड़ी और फलानी जगह सेवा पर जाना है ना। गुलजार दादी सुनाया करती हैं कि जब लखनऊ की सेवा हुई तो लखनऊ में अचानक से ही बाबा ने दादी को कहा कि बच्चे लखनऊ में जाके सेवा करनी है। दिल्ली में भी जब हमारी दादियां आई तो बाबा ने उनको दिल्ली सेवा के लिए भेजा, तो यहाँ कोई भाई बहन तो था नहीं, वो यमुना के कंचे पर आकर के उन्होंने सेवाएं शुरू की। और मनोहर दादी बताती थी कि एक मास हमने कुछ भी नहीं खाया, मंदिर में जो भगत आते थे वो जो फल इत्यादि देते थे वही केवल खाते थे। तो वही समय जो था, मुझे ऐसे लगता है कि बाबा ने मुझे इस योग्य समझा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने भी वही पार्ट बजाया। तो 9 बजे जब वो माता जी रात को सोने के लिए आए और उसने देखा कि किचन में कुछ भी नहीं है, तो वो उसी समय अपने घर गई और वहां से वो थोड़े से आलू, एक पुड़िया में नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा आटा, और उस समय उसके घर में एक नया प्लास्टिक का चकला बेलन था वो लेकर के आई, 5 लीटर का एक कुकर था और एक बहुत हल्का सा तवा था उसके घर में। तो ये सब उस समय भोजन बनाने का वो सामान लेकर के आई रात को 9 बजे अपने घर जाकर के, और तब हमने वो भोजन खाया उस दिन का। फिर अगले दिन जो है वो थोड़ा थोड़ा सामान और लेकर के आ गई, लेकिन हमने कभी भी मन के अंदर ये संकल्प भी नहीं किया कि ये क्यों या कैसे चलेगा, क्या होगा, कल का क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचा। ना ही हमने लौकिक ना ही अलौकिक किसी को भी इस बात के लिए कुछ भी नहीं कहा। और 13 अप्रैल को यहाँ सेवा शुरू हुई, 28 अप्रैल 2004 में यहाँ साथ में ही पुटकला गांव है वहां पर सेवा शुरू हो गई, गीता पाठशाला खुली। वहां से एक माता हमारे पास आती थी और वहां गीता पाठशाला खुली, और वहां से फिर सेवाएं धीरे धीरे उठी। लेकिन वो गांव में सेवा करना हमारे लिए किसी प्रकार था जैसे कहीं विदेश में सेवा करना, क्योंकि हमारा जो लौकिक जन्म था वो एक शहर का था, ये यहाँ गांव का एरिया था, और दूसरा हम हिमाचल से हैं, पंजाबी परिवार से हैं, और यहाँ आए तो ये जाट लोग थे, बिल्कुल भाषा अलग, हमें इनकी भाषा भी समझ नहीं आती थी कि ये क्या बोल रहे हैं, अड़े कड़े कुछ कुछ ऐसे बोलते थे, उड़े आ जा, अड़े चले जा, ऐसे करके बोलते थे, अरे जी जी तू अभी तक नहीं आई, ऐसे करके बोलते थे, तो हमको समझ में नहीं आती थी शुरू शुरू में इनकी भाषा। और ये जाटों का एरिया ऐसा एरिया था कि यहाँ के जो भाई लोग हैं है ना, जैसे बाबा सिंध की बताते हैं कि जो सिंधी परिवार थे तो उन्होंने अपनी जो वहां से बहनें निकली, माताएं निकली, उनको बहुत प्रताड़ित किया। तो इसी प्रकार के यहाँ पर वो भाई थे। जब हम उस गांव में सेवा करने के लिए जाते थे तो वहां के भाई जो थे हमें मुख पर भी सामने भी कई बोल देते थे, कई पीछे से भी बोलते थे, अपनी भाषा में बोलते थे कि अब ये धोली साड़ी वाली आ गई है और हमारी लुगाइयों को ये सिखाएगी, उल्टा सीधा पाठ पढ़ा के जाएगी, और हमको वो कहेंगे प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, स्नान करना है, शौच जा करके, बीड़ी नहीं पियो, शराब नहीं पियो, तो इस प्रकार से बोलते थे। और यहाँ तक भी एक बहन के युगल ने उसको बोल दिया कि तेरी दीदी अगर आई यहाँ पे तो मैं उसको गोली मार दूंगा। लेकिन हम एक बल एक भरोसा बाबा के भरोसे पर चलते रहे। लगभग 1-1.5 साल वहां गीता पाठशाला चली।
किराए पर वो गीता पाठशाला थी, और जहाँ जिस कमरे में गीता पाठशाला थी लोगों ने उसको सिखाना शुरू कर दिया कि तुमने ये इनको कमरा दे तो दिया, ये संस्था वाले हैं, तुम्हारा कमरा खाली नहीं करेंगे, तुम इनसे कमरा खाली करा लो। अब वहां पर वो आने वाली गांव की ही बहनें थी, उनके अड़ोस पड़ोस की, और जिन्होंने दिया था वो भी उन्हीं के गांव के थे। तो उन बहनों ने उनको समझाया कि देखो हम आपके गांव के ही हैं, हमारे घर में ये कमरा अलग से नहीं है, इसलिए हमने आपका कमरा लिया, आप चाहो तो हम किराया बढ़ा देंगी। इस प्रकार से दो चार महीने और निकल गए। फिर एक दिन मेरे पास शाम को 4 बजे फोन आया कि दीदी वो बहन कह रही है कि मेरा कमरा आज रात को ही खाली कर दो, कल सुबह तुम्हारा सामान इस कमरे में नहीं होना चाहिए। तो जब उसका मेरे पास फोन आया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है आप खाली कर दो, और देखो अपने पास जो बहनें आती हैं अगर उनमें से किसी बहन के पास कोई ऐसा रूम हो जिसमें हम शिफ्ट कर सकें फिलहाल, तो उसमें शिफ्ट कर लो, फिर हम बाद में देखेंगे। अब हमें ज्यादा इसके कमरे में नहीं रहना है, क्योंकि ये इतना अगर इसको हो गया है तो कल को ये कुछ भी उल्टा सीधा बाबा की सेवाओं में डिसर्विस का काम भी कर सकती है। तो उस बहन ने उसी रात बाबा उसका जो कमरा था गीता पाठशाला का वो खाली किया। और एक हमारे पास बहन आती थी, उसके घर में कमरा था, बहुत छोटा सा कमरा जिसमें मुश्किल से 10 लोग बैठ सकते थे, और उस कमरे के बिल्कुल बाहर बहुत बड़ी नाला सा बहता था, उस नाले के ऊपर उस कमरे के अंदर चढ़ने की सीढ़ियां थी। तो जब हम उस गीता पाठशाला में क्लास कराने के लिए जाते थे तो बिल्कुल छोटी सी सीढ़ी थी, ऐसे डर लगता था कि इधर थोड़ा सा पांव हुआ तो नाले में गए, इधर थोड़ा सा पांव हुआ तो नाले में गए। लेकिन फिर भी वहां की बहनों को हमने सबको यही कहा कि देखो जैसे गुरु नानक देव ने वरदान दिया ना उजड़ जाओ, तो हमको भी ये वरदान मिला, ये बाबा का वरदान है और इस वरदान में कोई ना कोई कल्याण जरूर समाया हुआ है। तो इस प्रकार से वहां की बहनों को हम धीरज देते रहे, और सच में इसमें क्या कल्याण समाया था। एक दिन जब हम वो नाला पार करके सीढ़ी पार करके उस रूम में जा रहे थे तो वहां पर आने वाली एक माता के एक बेटे ने देखा हमको, और उसने कहा कि यहाँ पर ये दीदी सीढ़ियां चढ़ के जाती है तो ये सीढ़ियों में तो बहुत छोटा स्पेस है, कभी भी पैर थोड़ा सा भी उधर हुआ तो नाले में पैर जा सकता है। तो उसने कहा कि आप ऐसा करो, दीदी को हमारे घर में काफी बड़ा उनका कमरा था कि वो दे दो, दीदी वहां पर आकर के सेवा करे। और आज तक भी गंगा माता के घर में वहां पर सेवा चल रही है। तो हमेशा यही सोचा कि जो भी हो रहा है उसमें कोई ना कोई कल्याण है, और कल्याण के पाठ को लेकर के एक बल एक भरोसे के पाठ पर चले तो सदा उसका रिजल्ट हमेशा उस रीति से ही दिखाई दिया। फिर दूसरा, यहाँ पर जब हम आए, हम यहाँ पर बिल्कुल नए थे, कोई भी पुराने यहाँ पर ऐसे भाई बहने नहीं थे जो हमें सहयोग कर सकें या किसी भी प्रकार की ऐसी सेवाएं कर सकें। लेकिन जब यहाँ पर गीता पाठशाला खुली तो धीरे 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 यहाँ की बहनों ने सहयोग देना शुरू किया। और यहाँ आने के बाद जो दूसरी परीक्षा हमारे सामने आई, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लॉक में 8 फ्लैट्स हैं, और उन 8 फ्लैट्स में से केवल एक बाबा का घर था, पंद्रह बीस भाई बहने आ सकते थे, और एक रूम जिसमें हम रहते थे वो बेडरूम भी था, डाइनिंग रूम भी था, स्टोर रूम भी था, ड्राइंग रूम भी था, सब कुछ वही था, और एक बहुत छोटी सी किचन जिसमें बाबा का भोग बनता था, मतलब उसमें शेल्फ के ऊपर केवल एक गैस का चूल्हा रखा हुआ था, एक बर्तन का स्टैंड रखा हुआ था और एक बर्तन रखने का टोकरा आता था। इतनी छोटी सी, आप सोचे बहुत छोटी सी वो रसोई थी। ऐसे यहाँ पर सेवा शुरू की। तो यहाँ पर आसपास में काफी जंगल का एरिया था, यहाँ बिल्कुल सामने अभी तो रोड पर पेट्रोल पंप बन गया है, CNG बन गया है, काफी रौनक भी हो गई, अब तो काफी गाड़ियां यहाँ से आती जाती रहती हैं, लेकिन उस समय यहाँ पर पूरा जंगल था, बहुत ऊंची ऊंची 20-25 फुट सामने झाड़ियां थी, और उन झाड़ियों के अंदर चूहे, सांप, नेवले, इस प्रकार के बहुत जीव जंतु रहते थे, और इतने मोटे मोटे यहाँ पर चूहे थे, ऐसे चूहे हमने कभी जीवन में नहीं देखे। और यहाँ हमारे पास नीचे सोने के लिए तो कुछ होता नहीं था, नीचे चटाई भी छा करके ऐसे फर्श पर सोते थे और पूरा ढक करके अपने को चादर से सोते थे, क्योंकि रात को चूहे जो हैं वो ऊपर कूद जाते थे कई बार, ये बहुत मोटे मोटे चूहे होते थे। लेकिन ये बस बाबा की मदद रही कि कभी भी उन्होंने हमको काटा नहीं चूहों ने। और फिर यहाँ पर थोड़ा डर भी लगता था क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था,
तो एक बार की बात है, यहाँ पर जो हमारे पड़ोस में रहती थी फैमिली वो भी नहीं थी, इन पूरे ब्लॉक में मैं अकेली थी, मेरे साथ रात को कोई था भी नहीं। और यहाँ पर जो साइड वाला दरवाजा था उसमें केवल ऊपर की एक चिटकनी लगती थी बस, वो हल्की सी, कोई भी धक्का मारे तो वो खुल सकती थी। तो यहाँ की बहनों ने जो भैंस को बांधने वाली चेन होती है वो चेन मुझे ला करके दी कि दीदी आप इस चेन को दरवाजे के हैंडल और खिड़की से लगा करके रात को सोया करो। तो रात को लगभग 1:30 या 2 बजे का समय था, मेरी आंख खुली और जैसे कोई चेन बहुत जोर जोर से चेन को जैसे कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा हो ऐसी आवाजें आने लगी। रात को 1:30-2 बजे का समय था, तो एक बार के लिए तो मैं डर गई क्योंकि बहुत तेज आवाजें, दरवाजे को जैसे खोलने की कोई कोशिश कर रहा हो, चेन तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बार तो मुझे डर लगा और मैंने जिस कमरे में मैं थी अंदर वाले कमरे में उसकी कुंडी लगा ली और मैंने कहा बाबा ठीक है जो होगा सो देखा जाएगा, अगर मैं सेफ हूँ तो सेवा चलेगी आगे। लेकिन फिर संकल्प आया, जब काफी देर तक ऐसा होता रहा 15-20 मिनट तक, फिर संकल्प आया और मैंने हिम्मत रखी और हिम्मत रख के उठ करके जब मैंने बाहर आकर के देखा तो वहां पर एक बिल्ली थी और वो बिल्ली उस दरवाजे को खोलने की और चेन को बार बार बाहर से भी वो क्योंकि चेन थी घुमा करके उसको बांधा हुआ था उसको हिलाने की कोशिश कर रही थी। इस प्रकार से एक बार मुरली क्लास सुना रही थी, मुरली क्लास करा रही थी, तो ऊपर एक मुमटी जिसको ऊपर छत्ती या मुमटी कहते हैं वो बनी हुई थी, तो वहां से कुछ काला काला नीचे गिर रहा था। क्लास में 8-10 भाई बहने बैठे हुए थे और मैं मुरली सुना रही थी तो कुछ काला काला सा नीचे गिरने लग गया। तो वहां एक बहन बैठी थी तो मैंने उसको बोला कि ये क्या है, नीचे क्या गिर रहा है? तो उसने कहा दीदी ये चूहे के बच्चे हैं। तो बहुत छोटे छोटे से काले काले वो क्लासरूम में भी चलने लग गए। उसके बाद एक दिन मैं गीता पाठशाला में गई हुई थी तो वहां से जब मैंने दरवाजा खोला तो एक छोटा सा नाग बिल्कुल दरवाजे के बीच में, मैं नीचे सोती थी चटाई के ऊपर और वो नीचे ऐसे था और जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो वो शायद दरवाजे में आकर के दब गया था और वो मर गया था। तो हर प्रकार का जीव जंतु, कभी कान खजूरा निकलता था, कभी कुछ निकलता था, कभी कुछ निकलता था, क्योंकि आसपास इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, यहाँ पर बहुत लोग नहीं रहते थे। और फिर मैंने जो अपना सेवा का रूटीन ऐसे बनाया कि सुबह जो था यहाँ पर मुरली क्लास होती थी, मुरली क्लास के बाद 9 बजे जो जैन नगर की गीता पाठशाला है वहां क्लास कराने के लिए जाती थी, फिर वहीं से वहीं 12 बजे ऊटकला गाँव में गीता पाठशाला है वहां क्लास कराने जाती थी, फिर उसके बाद हमने सेक्टर 20 में गीता पाठशाला खोली तो 4 बजे मैं वहां क्लास कराने जाती थी और फिर वहीं से वहीं सरदार वल्लभ पटेल लेक है यहाँ पर है वहां क्लास कराने के लिए जाया करती थी। तो इस प्रकार से पूरे दिन का रूटीन ऐसा होता था। और बहुत बार ऐसा भी होता था कि भोजन खाए बिना ही पूरा दिन सेवा में ही रहती थी, लेकिन बाबा अंदर से इतना बल देता था, इतनी खुशी देता था, इतनी हिम्मत बाबा अंदर से देता था जो कुछ भी महसूस नहीं होता था। और सारा दिन सेवा करने के बाद रात को यहाँ पर आकर के अकेले जब सोती थी तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि कुछ भी नहीं होता था, जैसे दादियां बताती हैं कि पानी में आलू डालते थे तो मैं पानी में नमक डालकर के उस नमक से भी रोटी खा लेती थी और कई बार तो वो भी नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे बाद में जैसे जैसे सेवाएं हुई, बाबा के बच्चे निकले तो उन सबका इतना स्नेह मिला, इतना सहयोग मिला। शुरू में हम यहाँ पर आए तो ये बाबा का घर रेंट पर था और धीरे धीरे फिर उसको बाद में बाबा का अपना घर बना, 2010 में ये बाबा का अपना घर लिया और अभी लेटेस्ट पिछले साल ही इसके साथ वाला जो घर है वो भी लिया। तो इस प्रकार से गीता पाठशालाओं में और अलग अलग स्थानों पर सेवा करते थे। फिर लगभग 2011 के करीब की बात है, यहाँ एक भाई निकला तो उसको ऐसी VIP सेवाओं का बहुत शौक था और तब हमने फिर यहाँ पास में पंजावला कोर्ट है वहां पर सेवाएं शुरू की और पुलिस स्टेशन है सामने उधर सेवा शुरू की, DCP ऑफिस है आउटर डिस्ट्रिक्ट में है, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर भी सेवाएं की। और बाबा के घर में आने वाले जो बच्चे थे बहुत ही साधारण बच्चे थे लेकिन उनके अंदर जो भावनाएं थी, जिसको बाबा कहते हैं सुदामा के चपटी चावल के बदले महल, तो
तो यहाँ भी बाबा ने वही कमाल किया कि आने वाले जो थे वो सुदामा की तरह ही बाबा के बच्चे थे, लेकिन उनके चपटी चावल से बाबा की सेवाएं दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की को करती ही गई। उसके साथ साथ जो हमारे बड़े थे उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, उनकी शुभ भावना उन्होंने भी बहुत आगे बढ़ाया। और हमारे सरला दीदी तो सदा साथ रहे ही रहे, कोई भी प्रकार की सेवा होती थी या कोई भी प्रकार का कार्यक्रम आज भी अगर होता है तो वो दीदी की ही दिशा निर्देशन में होता है। उसके साथ साथ मुझे अपने बड़ों का भी बहुत प्यार मिला, आशा दीदी का भी बहुत प्यार मिला। आशा दीदी ने भी मुझे बहुत आगे बढ़ाया। एडमिन विंग का जो कैंपेन चला एक सप्ताह का, तो उसमें भी एक सप्ताह के लिए दिल्ली, NCR, हरियाणा इत्यादि में जाना हुआ, या ORC में जो कुमारियों की ट्रेनिंग होती थी उसके लिए भी दीदी बुलाते थे। अभी तो लॉकडाउन में नहीं हो रही है, और उसके साथ ORC में भी कोई प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें भी दीदी बुलाते थे। और दीदी हमेशा, चाहे ये बाबा का घर बहुत छोटा सा था, दीदी हमेशा यही कहते थे कि रोहिणी जो है वो नंबर वन है। तो अंदर जैसे बड़ों के ये जो बोल थे वो अंदर जैसे समाये हुए थे कि नंबर वन बनकर के दिखाना है। तो अंदर ये भी संकल्प आता था कि हम कोई बड़ा प्रोग्राम करें, लेकिन बड़ा प्रोग्राम करने के लिए सब कुछ ही बड़ा चाहिए होता था, लेकिन आने वाले बाबा के बच्चे तो साधारण थे। तो फिर जब भी कोई ऐसा बड़ा करने का संकल्प आता था तो फिर थोड़ा पीछे हट जाते थे। लेकिन 2014 में अंदर बहुत तीव्र इच्छा हुई कि शिवानी बहन का प्रोग्राम कराया जाए। तो 2014 में जब शिवानी बहन से दीदी ने ही बात की, और यहाँ पर पास में ही महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, उसका बहुत सुंदर ऑडिटोरियम बना हुआ है, उसमें शिवानी बहन का प्रोग्राम रखा था। तो पहला बड़ा जो प्रोग्राम किया वो शिवानी बहन का यहाँ कॉलेज में किया था। और उसके प्रोग्राम के बाद ही वहाँ के जो चेयरमैन थे वो हमारे बहुत अच्छे संपर्क में आ गए। उसके बाद वो अपनी युगल सहित मधुबन में भी गए और ORC में भी गए। तो जब शिवानी बहन यहाँ पर आई बाबा के घर में, तो पहले बाबा के घर में आई ऑडिटोरियम में जाने से पहले, तो हमने भी उनको यही बोला कि ये बाबा का घर जो है बहुत छोटा सा है, लेकिन हमें इच्छा बहुत होती है कि हम इस प्रकार की सेवाएं करें। तो शिवानी बहन ने ये बोला कि जिनका दिल बड़ा होता है बाबा उनसे बड़े बड़े कार्य कराता है, घर छोटा होने से कुछ नहीं होता है। और वहीं हमने देखा कि उससे नेक्स्ट ईयर फिर 12 ज्योतिर्लिंगम का मेला करने का संकल्प आया, 8 दिन का मेला। तो तब भी मन में यही संकल्प आया कि इतना बड़ा मेला है, 8 दिन का करेंगे, हर प्रकार से उसमें सहयोग चाहिए, तन का भी, मन का भी, धन का भी। तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो मैं बाबा को यही कहती हूँ कि बाबा मैंने तो जय श्री राम कह के अंगद के समान ये पैर रख दिया है, अब आपको ये पैर हिलने नहीं देना। और उस मेले की भी वंडरफुल बात आपको बताएं कि बाबा के घर के बिल्कुल सामने बहुत बड़ा DDA का ग्राउंड है, उस ग्राउंड में वो मेला हुआ। और जब हमने वो मेले की डेट फिक्स की 15 फरवरी से 22 फरवरी की डेट, तो हमें मालूम नहीं था कि फोरकास्ट क्या है या क्या नहीं है। तो जब डेट फिक्स होगी, ग्राउंड बुक हो गया, उसके पर्चे भी छप गए, सब कुछ हो गया, कार्ड्स बट गए, तो हमें कुछ भाई बहनों ने बताया कि दीदी आपने ये डेट बहुत गलत रख ली है। तो हमने कहा क्यों, क्या हो गया? कहा कि इस एक सप्ताह के लिए फोरकास्ट है मौसम विभाग का कि बहुत तेज बारिश होगी, भारी वर्षा का अनुमान है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम सब मिलकर के योग करेंगे, प्रकृति को योगदान देंगे और ऐसा अनुभव करेंगे कि बाबा की छतरी ग्राउंड के ऊपर है। तो हमने लगभग प्रोग्राम से 1 मास पहले योग शुरू कर दिया और रोज प्रकृति को योगदान देना शुरू किया, और ऐसा ही अनुभव करते थे कि इस ग्राउंड के ऊपर बाबा की छतरी है, बाबा छाता लेके खड़ा हुआ है, यहाँ बारिश नहीं आएगी चाहे भले आसपास बारिश क्यों ना आए। और आप मानेंगे बहुत वंडरफुल बात है कि जिस दिन उद्घाटन होना था मेले का, उस दिन यहाँ मिनिस्टर आए हुए थे, एक मिनिस्टर को बुलाया था, संदीप जी था उनका नाम, आशा दीदी भी आए थे। तो उस दिन बहुत घने बादल आ गए, बहुत काले काले बादल ग्राउंड के ऊपर आकर के छा गए और हल्की हल्की बौछार भी शुरू हो गई। और एक भाई ने मुझे थोड़ा सा टॉन्टिंग वे में बोला कि दीदी बाबा, आपके बाबा ने छतरी हटा ली है। और मैं अंदर थी, टेंट के अंदर थी, और मैं बाहर आई
मैंने कहा मेरा बाबा छाता नहीं हटा सकता है, बाबा का छाता परमानेंट लगा हुआ है। और आप वंडर मानेंगे, उस ग्राउंड में पहले बहुत धूल उड़ रही थी, एक्चुअली बाबा ने वहां पर प्रकृति के द्वारा हल्की हल्की बौछार करके जो धूल उड़ रही थी उसको जमा दिया। और थोड़ी सी बौछार होने के बाद, वो मिट्टी जमने के बाद, बादल कहाँ गए पता नहीं। और पूरे 8 दिन यहाँ मेला रहा, 8 दिन आसपास के पूरे एरिया में बहुत भारी वर्षा हुई। ORC के विजय भाई यहाँ पर आए हुए थे, अमित भाई थे ORC के जिन्होंने मेला लगाया था। और उन अमित भाई ने कहा कि दीदी मैंने पहला ऐसा मेला देखा है जिसमें बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। कहा आज तक हमने जितने भी ज्योतिर्लिंगम मेला लगाए हैं, शिवरात्रि के आसपास ही लगते हैं, वहां पर हर मेले में कम से कम घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता था, इतनी बरसात होती थी। लेकिन ये पहला मेला ऐसा था जहां बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, बारिश लेकिन बुछार होती थी, सुबह सुबह बुछार हुई, ग्राउंड की मिट्टी जो थी वो सूख दब जाती थी, ठंडी हो जाती थी, और उसके बाद बादल पता नहीं कहाँ चले जाते थे। पूरा 8 दिन बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, ये बाबा की कमाल रही। इसी प्रकार से फिर उसे अगले साल दिल्ली जोन का जो जोनल मेडिटेशन होता है, जिसमें पूरी दिल्ली के भाई बहने आते हैं, तो वो करने का हमको संकल्प आया। उसमें लगभग 2000 भाई बहने आए थे। जब वो योग का भी संकल्प आया तो हमने जो यहाँ भारत भूषण भाई, सुरेश भाई जो दिल्ली के मुख्य भाई ये करते हैं योग का प्रोग्राम, हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि इतना खर्चा आएगा। तो फिर हमने उनको बोला कि इतना खर्चा तो हम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा बहन जी आप जितना कर सकते हैं ना आप उतना करना, हम उतने में पूरा कर देंगे, लेकिन आप योग का प्रोग्राम जरूर करना। और वंडरफुल बाबा की कमाल कि उस योग के प्रोग्राम में 2000 से भी ज्यादा भाई बहने आए, क्योंकि हमने पूरी दिल्ली के सभी सेंटर्स पर खुद फोन किया, एक एक बहन को फोन किया। और आशा दीदी का उस दिन आ नहीं पाई, क्योंकि आशा दीदी को उस दिन जयपुर अचानक किसी प्रोग्राम के लिए जाना पड़ा। उस दिन जिस दिन योग का प्रोग्राम था, रात को खुद आशा दीदी का फोन आया कि मैंने सुना है कि यहाँ योग का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है और बहुत सारी टीचर्स आई थी यहाँ पर। तो जो भी प्रोग्राम किया उसमें बाबा ने बहुत बहुत मदद की, बेहद की वृत्ति रख करके प्रोग्राम किया, बेहद की दृष्टि रख करके प्रोग्राम किया। और सदा एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा ना कोई, इसी संकल्प से चलते रहे आज तक, और आज भी चल रहे हैं, और आज भी बाबा पूरी पूरी मदद कर रहा है। वंडरफुल बात है। ये छोटा सा एक बात सुना के मैं, समय की घड़ी चलती जा रही है, एक लास्ट बात आपको सुना करके पूरा करती हूँ। अनुभव तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मुझे तो जब अनुभव सुनाने की बात हुई थी मैं सोच रही थी क्या सुनाऊं और क्या छोड़ूं। तो ये जब साथ वाला बाबा का फ्लैट लिया, लास्ट ईयर साथ वाला ये बाबा का घर लिया था, तो बाबा हमेशा, जब से बाबा के बने हैं, कोई भी साधन समय से पूर्व उपलब्ध कराता है, हमेशा समय से पूर्व। कोई भी साधन की हमको लगता है हमें जरूरत होती है, उससे पहले ही वो साधन आ जाता है, और उस समय हमें लगता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में हमें महसूस होता है कि नहीं, साधन की तो हमें जरूरत है, बाबा ने हमें इसको समय पर उपलब्ध करा दिया है। तो जब ये साथ वाला फ्लैट लेने की बात आई तो साथ वाला पड़ोसी जो था वो हमें नहीं दे रहा था, पीछे से वो आया था कहीं से, पता नहीं ब्रह्मा कुमारी इसका क्या इंप्रेशन था उसके ऊपर। हमने बहुत सेवा भी की उसकी, लेकिन वो बहुत नेगेटिव था। तो किसी तरह हमने किसी के थ्रू ये फ्लैट लिया, और वंडरफुल बात है कि जब तक उसका ब्याना ही क्या हुआ उसको कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन ब्याना होने के बाद उसको थोड़ा सा शक हो गया था कि इन्होंने ही लिया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। और जैसे ही बाबा का घर लिया गया, रजिस्ट्री हुई, फरवरी में रजिस्ट्री हुई, और मार्च में पिछले साल लॉकडाउन लग गया। तो यही सोचती हूँ कि अगर इस लॉकडाउन के पीरियड में या इसके बाद हम लेने की सोचते तो शायद ले नहीं सकते थे, क्योंकि भाई बहने शायद इतना सहयोग नहीं कर पाते। तो बाबा आज तक हर पल हर कदम मदद करता रहा है। मेरा रोम रोम बाबा का, अपने बड़ों का, अपनी सरला दीदी का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता है। मैं सेंटर पर आई, मुझे साड़ी भी पहननी नहीं आती थी, तो हमारी संतोष बहन जो 16 सेक्टर पर है वो मुझे साड़ी पहनाती थी। मैं तैयार होके खड़ी हो जाती स्नान आदि करके, और मैं पहली बार जब मधुबन गई तो मुझे अटैची भी नहीं लगानी आती थी, सरला दीदी ने मेरी अटैची लगाई। एक छोटी सी और हंसी की बात आ रही है,
बस वो लास्ट बात सुना के मैं पूरा करूंगी। एक बार की बात है, दोपहर को भोजन बनाती थी मैं, क्योंकि संतोष बहन तो जॉब पर जाती थी, तो दोपहर का भोजन बनाया। और भोजन बनाने के बाद जब मैं बाबा के कमरे में बाबा को भोग स्वीकार कराने गई, तो बाबा ने संकल्प लिया कि बच्चे इसमें मिर्ची तो डाली नहीं है। और सरला दीदी उस टाइम पर बिल्कुल फीका भोजन नहीं खाते थे, थोड़ी मिर्च खाते थे, हरी मिर्च डालते थे उसके अंदर। तो मैंने तुरंत वहां बाबा के कमरे से वो थाली उठाई, भोग की थाली उठाई, और उठा करके मैं किचन में आई। और मैंने पानी वाला जो फ्राई पैन होता है, चाय वाला बर्तन, चाय वाले बर्तन में पानी उबाला और उसमें मिर्ची काट के डाल दी ताकि उबल जाए, ऐसा ना लगे कि कच्ची ऊपर से डाली है। छोटी थी, बुद्धि तो चलती थी उस समय पर अच्छी, तो मैंने ये युक्ति रची। तुरंत मैंने वो पानी उबाला और उस पानी में मिर्ची उबाल करके, और वो मिर्ची वाला पानी मैंने दाल में डाल दिया ताकि उबली हुई मिर्ची जो है दाल में चली जाए और ऐसा लगे कि दाल में मिर्ची डाली है। जैसे ही मैंने वो पानी डाला उसके अंदर फ्राई पैन वाला, दीदी आ गए और मैंने वो चाय का बर्तन जो था वो एज इट इज वहां पर रख दिया। मैंने सोचा मैं इसको बाद में धोऊंगी, और बाद में मैं उस बर्तन को धोना भूल गई। और शाम के समय बाबा के कमरे में योग चल रहा था, मैं बाबा के कमरे में बैठी थी। बाबा का कमरा इस तरह से है कि किचन और जो रहने का स्थान है वहां कोई बात करे तो सुनाई देता है। तो शाम को जब संतोष मैन ऑफिस से आई तो उन्होंने दीदी के लिए चाय बनाई, और जब चाय बनाई, दीदी ने चाय का पहला घूंट पिया तो दीदी ने कहा चाय में मिर्ची डाली है क्या? तो संतोष बहन कहने लगे चाय में मिर्ची, मैं चाय में मिर्ची क्यों डालूंगी? तो दीदी ने कहा पी के देखो। तो संतोष बहन ने पी तो उसने कहा हाँ मिर्ची तो है चाय के अंदर। और मैं बाबा के कमरे में बैठी बैठी ये बात सुन रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मैं छोटी थी, अंदर से मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन बहुत समय के बाद मैंने दीदी को ये बात बताई कि दीदी वो जो मिर्ची वाला बर्तन था वो मैंने बिना धोए वहां पर रखा था। तो इस प्रकार से परिवार में छोटी छोटी हंसी मजाक की चिटचैट की बातें भी होती रही, परीक्षाएं भी जीवन में आई, और बाबा हर परीक्षा से ऐसे पास करता रहा जैसे मक्खन से बाल। पर अंदर ये संकल्प था कि यहाँ की ही कोई कुमारी निकले और यहाँ की ही कोई कुमारी सहयोगी बने। तो अभी मेरे साथ जो प्रीति बहन रहती है वो भी यहीं से ही निकली हुई है, उसको यहाँ मेरे साथ रहते हुए 7 वर्ष हो गए हैं। है तो वो भी जाट फैमिली से, और जाटों की कन्या निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। कैसे उसने बाबा के स्नेह में आकर के अपने जीवन को समर्पित किया, अगर आप कहें तो 2 मिनट में वो भी सुना सकती है। अभी मैं अपना अनुभव इतना ही यहाँ पर ही पूरा करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज ये मुझे सौभाग्य मिला है कि दीदी जी का मैं अनुभव सुनाऊं। अनुभव तो बहुत सारे हैं जीवन के। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूंगी शिव स्मृति चैनल का, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं भी दीदी जी का अनुभव शेयर करूं। शिव स्मृति नाम लेते ही शिव की याद आ जाती है। और जैसे बाबा कहते हैं कि 9 से 10 बजे बाबा की याद में सोना है, तो हम अनुभव सुनकर के ही बाबा की याद में सोते हैं। दीदी जी हर एक अनुभव सुनते हैं और मुझे भी सुनाते हैं कि आप भी सुनो। 9 से 10 बजे का जो समय है वो हम कभी भी मिस नहीं करते, सारे अनुभव सुनते हैं। और दीदी जी की मैं क्या क्या विशेषता सुनाऊं, क्योंकि जैसे दीदी जी ने बताया कि मैं जाट फैमिली से हूं, तो जाट फैमिली में छुट्टी देना इतना आसान नहीं होता है, तो बहुत बड़ा अनुभव है उसके पीछे। तो 2 मिनट में तो शायद नहीं सुना पाएंगे। ने मुझे माँ जैसी पालना दी है। मोहिनी दीदी और दादी जी के बारे में, लेकिन मैंने देखा नहीं है ना दीदी जी को ना दादी जी को, लेकिन दीदी के रूप में मैंने दोनों की पालना जो है वो दीदी से ली है। बस यही मैं कहना चाहूंगी। बाकी विशेषताएं तो दीदी में बहुत सारी हैं जो मुझे कभी भी नहीं आती थी, क्योंकि मुझे याद आता है जब मैं पहली बार सेंटर पर आई थी तो दीदी ने मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा हंसते हुए कि मेरा नाम प्रीति है।
तो दीदी जी ने पहली बार ही कहा बाबा से प्रीत रखोगी, तो मुझे प्रीत शब्द का भी मतलब नहीं पता था कि प्रीत शब्द का मतलब क्या होता है। लेकिन उस दिन से आज दिन तक बाबा से ऐसी प्रीत जुट गई जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकती। बाबा से बहुत प्यार हो गया उस दिन से। और दीदी जी में विशेषताएं तो बहुत सारी हैं, जैसे दीदी जी दृढ़ बहुत हैं और डर किसी भी चीज से डर नहीं है, सिर्फ बाबा से डर है। अदरवाइज मैं देखती हूँ दीदी जी में हिम्मत इतनी है, जो जैसे इतने छोटे से फ्लैट में रहते हुए इन्होंने सेवाएं की, तो इनको देख देख के मेरे अंदर भी वो हिम्मत अंदर से आ जाती थी। बस यही मैं सुनाना चाहूंगी। ओम शांति। आप बोले उसके पहले मैं ये एक शब्द बोल देती हूँ। हमारे यहाँ नरसी मेहता हो गया, तो हर बात में क्या कहते, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सामड़ा गिरधारी, है ना। जो भी काम होता था वो उसको सौंप के खुद भजन गाता था। तो आपका भी अनुभव सुन के ऐसे ही लगा कि जो भी है बाबा को बोल दो, बाबा अपने आप हुंडी स्वीकार करेगा। और करी भी है प्रैक्टिकल में। और ब्रिज कोठी की याद आ गई, जब दादियां रहती थी तो सांप निकलते थे, वो निकलते थे, तो ब्रिज कोठी आपका कहेंगे बाबा के टाइम, ब्रह्मा बाबा के टाइम, शायद उस टाइम भी आप होंगे। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैंने साकार बाबा को देखा हुआ है। वाह, होंगे ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है। और दूसरी बात ये भी लगी कि आपने बोला आपकी माताजी ने सिलू बेन से प्रेरणा लेके आपको छुट्टी दिया, तो आपका फेस भी जैसे आप सिलू बेन के बहन हो ऐसे लगता है, दूर से तो सिलू बेन जैसे ही लगते हो। अच्छा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। पूनम बेन को पहले बोलना चाहिए लेकिन मैं बीच में बोल दिया, तो बहुत थैंक यू। और आपको बड़ौदा में आने का निमंत्रण देते हैं, आप लोग मिलेगा मधुबन में आओ तो जरूर आना है। हम आपको भारत की भविष्य सो वर्तमान राजधानी का निमंत्रण देते हैं। आप भविष्य में तो आएंगे ही आएंगे दिल्ली में, लेकिन पहले वर्तमान में जरूर आओ। जरूर जरूर, वर्तमान में आएंगे तभी तो भविष्य में आएंगे ना। दिल्ली में तो बहुत बार आए हैं शुरू से। ओम शांति। रजनी बहन जी ने अपने सागर समान अनुभव को गागर में बदल करके जो सुनाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और हमारी चंपा बहन जी ने तो जूम मीटिंग के द्वारा रोज ही एक बार जो है बड़ोदरा की सैर कराई देते हैं, तो इसके लिए शुक्रिया। हमारा सारा मेडिटेशन है ही मन बुद्धि के ऊपर, और वही मन बुद्धि का पक्का पक्का हमारा परम धाम आने जाने का चक्कर बना रहे, उसके लिए बड़ोदरा का निमंत्रण हर दिन मिलता है, तो वो घूम लेते हैं। और साकार में भी जरूर होगा क्योंकि इतने प्यार से हर एक को निमंत्रण दे रही है, तो जरूर शायद दिल्ली में कोई बड़ा प्रोग्राम रचना ही होगा तभी सब। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बहन जी। आपका अनुभव जब सुना तो समय का पता भी नहीं पड़ा, एक घंटा आपने जब बोला कि समय हो चुका है तब हमारा ध्यान घड़ी पर गया, तो ऐसा हम आपका अनुभव सुनने में मगन हो गए थे सभी। और हम सोच रहे हैं दूसरा भी आपका एक सेशन जरूर रखे, क्योंकि आपके पास बहुत अनुभव का खजाना है, तो दूसरा का अगर आप अनुमति दे टाइम दे तो हम जरूर रखना चाहेंगे। ठीक है, मैं जरूर बता दूंगी। पूनम थैंक यू, आप सबका भी थैंक यू। सासों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक जोड़ी।